सुनाइए, हम काज काट देते हैं आदमी। देखिए आप ना गलत वर्डिंग्स का यूज मत कीजिएगा, चीं बुलवा देंगे। नहीं, जो आप प्रूव करके दिखा सकते हैं। क्या आप सांगी हैं? क्या आप बदतमीज है यार? सर मैंने यार आप सांगी हैं। अब एक मिनट पहले आप कह रहे हो कि आप मयूर सांगी से मिलवा रहे हैं। मैं दर्जी हूँ भाई। मेरी जनरेटर की दुकान है यार। तू सीधी बात करे ना यार, आप सांगी है, आप सीधी बात करो, फिर पूछ रहे हो मेरे आप सांगी है। मैं सांगी नहीं हूँ भाई। अरे सर आप नहीं, मैं सांगी नहीं हूँ। आप बड़े मजाकिया हैं सर। अरे यार मेरी बात सुनो, ये क्या कर रहे हैं? ये नहीं, एक गुड मैन। अरे ये आप लेके कैसे आए अंदर? मतलब किसने आपको अलाउ किया अंदर आने के लिए, ये हुक्का लेकर? अरे भाई हुक्के के बिना कौन बात बढ़ती है? कैसे मतलब आप हुक्का लेकर आ गए स्टूडियो में? अरे उल्टी बात कर रहे यार, मैं हुक्के बिना फिर किस तरह मेरा बाजार करवा दिया? मैं प्योर आदमी, मैं प्योर दिखता हूँ भाई। जरा तहजीब से बैठेंगे तो अच्छा लगेगा। ले भाई तू तेरी चीज बता ले। मैं सर आप फिर वही मतलब गलत शब्दों मेरे अंदर से निकल जाता है यार। ये भाई ऐसा है, आपके पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है। ये कम्प्लीट अलग ही चीज़ है, इसमें एक स्टेप आप मिस कर गए बीच में। भी पाँच कदम सांडते, दस कदम रांडते, बीस कदम बावली सांडते, ये इसका कंप्लीट है। इससे अलग रहना चाहिए। ये इसका लॉजिक क्या हुआ सर? बावली सांड, बावली सांड जैसे का एग्जांपल मैं कह दूं, आई एम बावली सांड। कैसे है मतलब? आप कलाकारों नहीं, आप मुझे टीवी पे सीधे सीधे फ्रॉड कर रहे हैं। नहीं आप कलाकारों कैसे तो कलाकारों कैसे फ्रॉड कर रहे हैं? मैं जो भी बात करता हूँ मैं सबूत के साथ करता हूँ, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। लेकिन आपने मुझे फ्रॉड किस बात पे? फ्रॉड तुम सारे तुम हो क्या? मैं एक डंडी ले रहा घुमा ले पूछ रहे थे हो संद का बेरा नास गावण और बजावण का मन बड़कपण तास नित तेरे कैसे लक्ष्मी चंद तेरे कैसे लक्ष्मी चंद हजार बने हंडे से मन मर गुंडी टीआरपी की पत्रकार बने हंडे से। अभी देखिए ऑस्ट्रिया यूके लंदन में आपके हरियाणवी मुहावरे वहां पे बोल रही हैं आपकी। क्या समझ में नहीं आती, वो नकली करती है कई बार। तो ये इन्होंने पूछा है मरेलिन जो है, इनका कहना है कि शिकार के वक्त कुतिया हगाई। शिकार के वक्त कुतिया गई भाई, इसका एक्चुअली शीज आई स्पीक इन इंग्लिश। शिकार के वक्त व्हेन, बिकॉज ये एक ऐसी चीज है, शिकार के वक्त एट द टाइम ऑफ फायरिंग यू फील प्रेशर है ना, दिस इज वेरी बैड कि एट द टाइम व्हेन इट इज रिक्वायर्ड एट टाइम यू से आई एम भाई प्रेशर आ गया मेरा यार। अरे मैं क्या बताऊँ, उसको लिरिकिस्ट बोलते हैं। नहीं सर लिरिसिस्ट होता है। तो आप वही तो कह रहा हूँ, पंचर वाला तो लिरिसिस्ट बोल नहीं सकता, वो तो लिरिकिस्ट बोलते हैं। वो कहते जी लिरिकिस्ट बाहर है, देखो माचिस से रिदम निकलती है भाई, माचिस से रिदम निकलेगी ऐसी। माचिस सुलगाने के काम आती है, बजाने के काम नहीं आती। अरे बावड़ी वो इससे रागड़ी बनती है, देख मैं नहीं पींदा भाई, मतलब माँ की सूल मैं हाथ में रगड़ मेरा कॉन्फिडेंस आता है।